तो कपल ऑफ डेज में रोड टू एफ का सीजन थ्री स्टार्ट होने वाला है जहां पर अपने फोर इंडियन फाइटर्स भी फाइट कर रहे हैं जिसमें दो मेल फ्लाईवेट फाइटर्स हैं और दो फीमेल स्ट्रॉवेट फाइटर्स 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 हैं तो ये वीडियो इन और इन और के जो ओपोनेंट्स हैं उनका बेसिकली एक ओवरव्यू रहने वाला है जहां पर एंड ऑफ द वीडियो में इन चारों फाइटर्स के कितने चांसेस है पहले राउंड को क्वालिफाई करने के उस बेसिस में मैंने चारों फाइटर्स को रैंक किया है तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉवेट डिविजन से जहां पर सबसे पहले बात करते हैं प्रिया शर्मा जिधर प्रिया शर्मा की

काफी सॉलिड है अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि प्रिया शर्मा के पास गुड टेकडाउन है बट यहां पर डोंग वोंग की जू गेम भी काफी अच्छी है तो इसीलिए अगर प्रिया शर्मा की साइड से टेकडाउन आता है तो यहां पर प्रिया को डोंग के सबमिशन से काफी केयरफुल होना पड़ेगा यहां पर दोनों फाइटर्स की काउंटर स्ट्राइकिंग भी काफी अच्छी है और मेरी ओपिनियन में यही फाइट प्रिया शर्मा विन कर सकती है अगर वो डोंग वॉर्जोंग को ग्राउंड में लेके जाए बस उसके सबमिशन से थोड़ा सा केयरफुल हो स्पेशली अगर जब डोंग वॉ को साइड कंट्रोल मिलता है क्योंकि वहां से उसकी फाइट देखने पर लगता है कि वो काफी डेंजरस फाइटर है और बेसिकली टॉप पोजिशन लेकर डोंग को माउंट करना और उसे ग्राउंड एंड पाउंड पंचेज थ्रो करके बीट करना

फाइटर्स तो सबसे पहले बात करते हैं किरू सिंह सोहोटा के बारे में जहां पर किरू सिंह सोहोटा की फाइट होने वाली है यिन के साथ टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि चारों इंडियन फाइटर्स में से जो सबसे ज्यादा है, है और वो अपनी फाइट्स में इसी रीच के एडवांटेज भी लेता है उसका जैप काफी अच्छा है और इसी चैप की वजह से वो अपने अपने से डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है और उन्हें कंटिन्यूअसली पुश बैक करते रहता है लॉन्ग रेंजी फाइटर होने की वजह से जब भी किरू सिंह

अपने ओपोनेंट के सामने डांस भी करने लग पड़ा था तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है काफी एंटरटेनिंग फाइट हो सकती है अब कहीं जगह जिनशुआई का रिकॉर्ड सिक्सटीन फोर का है कहीं पर सेवनटीन फोर का है तो यहाँ पर भी इस फाइट का रिकॉर्ड का तभी पता चलेगा जब उसकी किरो सिंह सोहोटा के साथ फाइट होगी बट डेफिनेटली प्रोफेशनल में उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू किरण जहां पर किरू सिंह ज्यादा टेक्निकल है वहीं पर जींसाई एक बहुत ही फास्ट फाइटर है जहां पर वो वाइल्ड होके फाइट करता है उसके पास काफी अच्छे टेक टेकडाउन है और अगर वो अपने ओपोनेंट उपने को टेक डाउन कर ले तो नॉट ओनली उसकी सबमिशन गेम बेटर है है बट जो उसका ग्राउंड एंड पाउंड वो भी काफी लीथल है पर इसी के साथ काफी सिंह सोहोटा की फाइट में मैंने देखा है कीरू कि सिंह सोहोटा के पास एक काफी अच्छा टेक डाउन डिफेंस है जहां पर मेरी ओपिनियन में किरू सिंह सोहोटा इस फाइट को विन कर सकता है अगर वो जींसवाय के टेक टेकडाउन को डिफेंड कर ले उसे अपनी लॉन्ग रीच में रखी

अगेन मैं बोलूंगा मैं चारों के लिए ही रूट कर रहा हूं मैं तो चाहता हूं कि चारों इंडियन फाइटर्स फाइनल पहुंच जाएं जहां पर दो विन करें दो रनर अप आए बट चारों को ही कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो जो मैंने रैंक किया ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी बट व्हाट अबाउट यू गाइस अगर तुम्हें रैंक करने को बोला जाए तो तुम्हारी ओपिनियन में किसके सबसे ज्यादा चांसेस है राउंड वन को क्लियर करने के लेट मी नो इन द कमेंट्स और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में